देखिए अभी तो बहुत कांटे की टक्कर है और अभी नेक टू नेक चल रहा है, लेकिन अभी 10:40 हुए हैं। मुझे लगता है ये स्थिति 1 बजे तक क्लियर होगी और हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी में दिल्ली विश्वास देगी और आम आदमी पार्टी को अपने जो पीछे अपने समय में जो जिसने दिल्ली को इतना तकलीफ दिया है, आज देखिए दिल्ली इतनी गैस चैम्बर बनी है कि सारी गाड़ियां रातों रात बैन हो गई, डीजल गाड़ियों से आप नहीं चल सकते। ये दंश कब तक झेलती रहेगी दिल्ली? तो ये सब मुझे लगता है कि दिल्ली अपना जनमत बीजेपी के पक्ष में देगी, मगर अब इस समय किसी बात का कोई मतलब है नहीं जी। अब जो भी जनता का जनादेश होगा वो सिर माथे पे। अरविंद केजरीवाल जी के यहाँ फूल लाया जा रहा है, जश्न की तैयारियां हो रही हैं, क्या लगता है आम आदमी पार्टी एमसीडी में? नहीं, हमारे यहाँ भी भरा हुआ है, हमारे यहाँ भी बहुत भरा है और निश्चित रूप से जो जीतता है वो फूलों से स्वागत करता ही है अपना, उसके कार्यकर्ता करते हैं, तो वो सबके यहाँ है, वो तो कांग्रेस के यहाँ भी होगा, ऐसा थोड़ी उसके यहाँ नहीं है। जब तक 3 न बज जाए, कम से कम 12 बजने तक तो जरूर इंतजार करेंगे, तो ये कोई नई बात नहीं है, लड्डू भी बने होंगे सबके। लेकिन आज महत्वपूर्ण देखना ये है कि इस कांटे की टक्कर में जीत किसकी होती है, लेकिन एक प्रकार से आम आदमी पार्टी की हार हो चुकी है और वो है, वो कहते थे हम 220 सीट लाएंगे, ऐसी थंपिंग मेजोरिटी का दावा करने वाले लोग आज किधर बैठे हैं उनका चेहरा देखना चाहिए, क्योंकि जनता ने नहीं कहा कि तुम इतने आगे हो दिल्ली में, आप अब किसी भी समय बीजेपी से परमानेंट परास्त हो सकते हो।